हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 15th चैप्टर दैट इज सम नेचुरल फेनोमेना के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हो, इस चैप्टर का हेडिंग है ना सम नेचुरल फेनोमेना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में आपको कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा ही इसके नाम से पता चल रहा है, कुछ नेचुरल फेनोमेना हैं जो आपको बताए गए हैं। नेचुरल फेनोमेना कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट को बताए गए हैं जो काफी डिजास्टर्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। यानी एक तरह से कहा जाए तो डिजास्टर्स मैनेजमेंट में इन सभी बातों को आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उसमें एक है लाइटिंग एंड थंडर्स के बारे में, और सेकंड वन इज अर्थक्वेक के बारे में। ये दोनों ही डिजास्टर्स को रिलेट करते हैं, ठीक है ना। लास्ट के चैप्टर्स में आपको फायर्स के भी बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है ना, जहां पर आपने कंबशन एंड फ्लेम में फायर के बारे में पढ़े थे, तो वह भी डिजास्टर्स मैनेजमेंट का ही एक पोर्शन है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आपको थंडर एंड लाइटिंग से जुड़े जो नेचुरल इवेंट है उसके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट आप जान पाओगे अर्थक्वेक जो होते हैं उसके पीछे का क्या रीजंस है, कैसे ये हो रहे होते हैं, और साथ में जैसा मैंने कहा लाइटनिंग एंड थंडर्स के बारे में जो ऑब्जेक्ट के जो चार्जेस से जुड़ी बहुत बातों को आप जान पाओगे, कैसे ये इनका क्रिएशंस होता है। साथ में आप जान पाओगे एंड अदर साइड्स में आप जान पाओगे कि कैसे अर्थक्वेक जो है वो क्रिएट होते हैं, दोनों ही के बारे में, सेफ्टी प्रिकॉशंस के भी बारे में आप जान पाओगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक दो नेचुरल फेनोमेनन के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस हेडिंग्स में सम नेचुरल फेनोमेना में आखिर नेचुरल वर्ड का क्या मीन होता है, जैसा आप सभी देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, नेचुरल वर्ड रेफर करती है कॉज्ड बाय नेचर, ऐसे किसी भी काम, किसी भी ऐसे एक्टिविटीज है ना जो नेचर्स के थ्रू होते हैं, ठीक है ना, नेचर्स के कारण से ही होते हैं, उसे ही हम नेचुरल कह रहे हैं। फ्रेंड्स, नेचुरल में बहुत सारी बातें हैं जो नेचुरल ही होती हैं। जैसे आप ऐसा जानते हो कि डे बाय डे का होना, दैट मींस डे एंड नाइट का होना, रोटेशंस का होना, रिवोल्यूशंस का होना, वेदर का चेंजिंग होना, ये सभी नेचुरल ही बातें हैं। इसके अलावा बोल सकते हो जो भी आप रेनबो भी देख पा रहे हो, वो सभी नेचुरल बातें हैं। तो नेचुरल कॉज्ड बाय नेचर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। नेक्स्ट वन हम लोग जान लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फेनोमेना, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट, यू कैन से एन इवेंट दैट इज वेरी अनयूजुअल, जिससे आप देखकर अनयूजुअल हो जाते हो, ऐसा एक इवेंट होता है, ठीक है ना, जिसे आप देखकर हम देखकर वॉन्डर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे वो किसी मिरेकल से कम नहीं होता है। इसे ही हम लोग जनरली साधारण वे में हम लोग फेनोमेना कहते हैं। आप एक साथ अगर हम जान लेंगे कि नेचुरल फेनोमेना क्या होते हैं, एन इवेंट, ठीक है ना, दैट इज क्रिएटेड बाई नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फेनोमेना। ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा, चलिए जान लेते हैं कि आखिर नेचुरल फेनोमेना के आखिर क्या एग्जांपल्स होते हैं। जैसा आप जानते हो डे एंड नाइट का होना, ठीक है ना, अब यू कैन से रोटेशंस जो होते हैं वो एक नेचुरल फेनोमेना है, रिवोल्यूशंस एक नेचुरल फेनोमेना है, रेनिंग एक नेचुरल फेनोमेना है, थंडर्स एक नेचुरल फेनोमेना है, इवापोरेशंस का होना भी एक नेचुरल फेनोमेना है। साथ में आप जान लोगे फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स, बहुत ऐसे एक्टिविटीज हैं जो नेचुरल होते हैं, इसमें ह्यूमंस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आवर फर्स्ट टॉपिक इज लाइटनिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए लाइटनिंग के बारे में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइटनिंग के बारे में बहुत सी कॉन्सेप्ट थे। बिफोर क्राइस्ट के टाइम बहुत ऐसे पीपल थे जिनमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लाइटनिंग जो होते हैं, थंडर्स जो होते हैं, वो रैथ ऑफ गॉड्स के कारण ही होते हैं। जब गॉड्स हम पर, इस हम ह्यूमंस पर जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर वो ऐसा लाइटनिंग एंड थंडर्स होता है। तो फिर बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं वो जब ओपन फील्ड्स में रहते थे, उनका डेथ हो जाता था थ्रू लाइटनिंग। ये बात भी आपको जान लेनी है। तो इसके पीछे के रीजंस को समझते समझते साइंटिस्ट ने बहुत टाइम ले लिए,
अराउंड आप कह सकते हो कि 2000 years, ठीक है, यू कैन से, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम है उसके बाद से आप देख पा रहे हो कि यह है 2019, है ना, ये 2019, यू कैन से 2000 years पास्ट हो गए। इसे जानने के लिए कि आखिर ये लाइटनिंग थंडर्स के पीछे का रीजन क्या है, इसी बीच एक आप यू कैन से 18th century में एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया एक ऐसी बातों को जिन्हें सुनकर बहुत सारे लोगों ये सरप्राइज्ड हो गए कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया था कि ये जो लाइटनिंग हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के कारण ही हो पा रहे हैं, जो डेली के लाइफ में हम अपने, ऐसे आप बोल सकते हो बहुत ऐसे सिल्क वाले जो क्लोथ्स हैं उनसे जो एनर्जीज क्रिएट होते हैं, और लाइटनिंग वाला जो एनर्जी जो क्रिएट होता है, जो नेचुरल फेनोमेना है, ये इनका रिलेशंस है, ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है। इनके बारे में जब ऐसी बातें कहीं तो फिर वो बहुत सारे लोग थे वो सरप्राइज्ड हो गए, ये बात भी आपको जान लेनी है। और इनके बात से ही, इनके इस बात को कहने से ही रिसर्च जो है वो स्टार्ट हो गया कि क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कहा था क्या यह बात सही है, क्या यह सच है। तो इसके बाद से रिसर्च स्टार्ट हो गया और आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आवर फर्स्ट वर्ड इज चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज्ड ऑब्जेक्ट? जैसा आप सभी देख पा रहे हो, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that is responsible for the electrical phenomena existing in a positive or negative forms in that object, that is called charged object। ये बात भी आपको जान लेनी है। चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल का एक ऐसा एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है, एक ऐसा नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है जिसके कारण से ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। ये बात भी आपको जान लेनी है। या किसी भी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म्स में होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इस चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में अगर अच्छे से समझना है तो पहले हमें कुछ बातों को पहले जान लेना पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो बातें हैं क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में जान लेनी है, और चार्ज वो कैसे होती है, दैट मीन्स चार्जिंग से ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमें पहले जान लेना होगा। देन हम इजिली समझ पाएंगे ये जो चैप्टर्स आप देख पा रहे हो। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं और वो कैसे चार्ज होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है हमारे इस अर्थ में डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्सटेंस हैं, बहुत तरह के हैं, ठीक है ना, वो काउंट भी नहीं हो सकते इतने तरह के ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस हैं। आप सभी को जानना है जितने भी तरह के जो सब्सटेंस हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनका जो क्रिएशंस होता है ना, एक पार्टिकुलर एक सब्सटेंस से होता है। आप अगर ऐसा कहो जो प्लास्टिक्स आप देख पा रहे हो, जो भी बोटल्स आप देख पा रहे हो, तो पार्टिकुलर जो प्लास्टिक्स आप देख पा रहे हो, दैट बोटल्स जो देख पा रहे हो, उसका भी क्रिएशंस एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ही हुआ है। नेक्स्ट आप बुक देख पा रहे हो, तो बुक का भी क्रिएशंस जो हो रहे हैं, जो भी बुक जो क्रिएट किया जा रहा है, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ही उसका क्रिएशंस किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, जो भी हम लोग रॉक्स देख रहे हैं, माउंटेन देख पा रहे हैं, या फिर रिवर देख पा रहे हैं, जो भी एयर देख पा रहे हैं, ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ही उनका क्रिएशन है। गोल्ड देख पा रहे हैं, जो भी देख पा रहे हैं, जितने भी सारे मटेरियल्स हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, वो एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ही बने होते। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, इस अर्थ में जितने भी सारे सब्सटेंस हैं वो एक पार्टिकुलर सब्सटेंस से ही बने होते हैं। क्या आपको पता है जितने भी सारे सब्सटेंस हैं उनका जो फॉर्मेशंस जो होता है, उनका फॉर्मेशंस होता है एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से। माने किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंस होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स है, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो सब्सटेंस है उसे हम पार्टिकल्स कह रहे हैं, ठीक है ना। इस पार्टिकल्स से ही बहुत सारे पार्टिकल्स जब एक साथ हो जा रहे हैं तो उस सब्सटेंस का क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। याद रखना है पार्टिकल्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म्स में, ठीक है ना। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट को अभी जानने के लिए हम किसी भी सब्सटेंस को एज अ पार्टिकल्स के फॉर्मेशंस में क्रिएट कर रहे हैं अभी। अब है वो जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल आप देख पा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, हर ऑब्जेक्ट में है ये। अब है ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट में एज अ पॉजिटिव फॉर्म्स में, एज अ नेगेटिव फॉर्म्स में रहते हैं,
यानी पार्टिकल्स के भी अंदर अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप के थ्रू, बहुत ही जूमिंग करके अगर देखा जाए, तो उसमें भी हमें नेक डाई से नहीं दिखाई पड़ेंगे, ना तो पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे और ना ही जो मैंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव जो सब्सटेंस है वो दिखाई पड़ेंगे और दिखाई पड़ेंगे ऐसे पार्टिकल्स। उन्हें देखने के लिए हमें बहुत ही माइक्रोस्कोप, एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है देखने के लिए। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में भी जानेंगे। जैसा आप सभी जानते हो, जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, तो जो सब्सटेंस को क्रिएट करते हैं, इन पार्टिकल्स में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। हर सब्सटेंस में, अर्थ में जितने भी सारे सब्सटेंस हैं, उन सभी का क्रिएशन ऐसे ही सब्सटेंस से होता है। यानी सभी सब्सटेंस में पॉजिटिव वाले फॉर्मेशन सब्सटेंस भी पाए जाते हैं और नेगेटिव वाले भी सब्सटेंस और पार्टिकल्स पाए। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव वाले जो पार्टिकल्स को हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं और नेगेटिव वाले पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको जान लेनी है। साथ में आपको ये भी जान लेना है, ये जो पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स और नेगेटिव वाले पार्टिकल्स का जो नंबर है ना, वो इक्वल होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में होते हैं। इसीलिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ न्यूट्रल रहती है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़े थे, मान लो -4 और +4, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। आपने तो मैथमेटिक्स किए हैं फ्रेंड्स। जब भी ये कैंसिल हो जाते हैं, उसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहने से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ न्यूट्रल ही रहते हैं। जितने भी सारे हमारे सब्सटेंस आप देख पा रहे हो, ये सभी न्यूट्रल फॉर्म में हैं। बट अगर इन्हें हम लोग चार्ज कर देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज से क्या ये रिलेशंस है, क्या हम समझते हैं, चलिए इसे पहले हम लोग जान लेते हैं। मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जब भी हम लोग रब करते हैं, दैट मीन्स हमने जो फ्रिक्शंस के चैप्टर्स में पढ़े थे, ये रबिंग होता है ना दो चैप्टर्स में, तो फ्रिक्शंस का क्रिएशंस होते हैं। जब भी हम लोग किसी दो ऑब्जेक्ट्स को जब रब करते हैं तो क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि नेगेटिव वाले पार्टिकल्स और पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स, इसमें भी कुछ बातें हैं जो जान लेनी है। जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव फॉर्म्स में रहते हैं, वह जो है बिल्कुल स्टेबल होते हैं, वह किसी भी ऑब्जेक्ट से मूव नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम रब करते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव वाले जो पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव हो जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे पर मूव हो जाते हैं। हो सकता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट से एक दूसरे पर मूव हो जाते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक दूसरे में, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल नहीं रहते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में जिनके बीच हमने रब किया, ठीक है ना। तो यहां पर आप जान पाओगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी में इंक्रीज हो जाते हैं और किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये जो इंक्रीजिंग जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, यहीं पर चार्जेस का क्रिएशंस होता है। दैट मींस रब करने के बाद, आफ्टर रबिंग, दो जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो चुके हैं, ठीक है ना। ये बात भी आपको जान लेनी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे, अगर आप ऐसा कह सको, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस क्या हुआ, वह ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका है। किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जिसने दे दी है दैट सब्सटेंस को, दैट मींस उसमें तो अब उसमें भी अब अनबैलेंस हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो भी दैट मींस चार्ज हो चुका है। ये बात को आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट इज अ कन्वेंशनल टू कॉल द चार्ज acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive. Friends, अगर इस sentence को अगर हमें समझना है ना friends, तो हमें पहले कुछ बातों को जान लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, जब भी आप
सिल्क से किसी भी ग्लास रॉड को रब करते हो ना, तो वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, कैसे ये हो पा रहा है, उसे हमें समझना है। लेकिन इसे समझने के लिए कुछ बातों को हमें पहले समझ लेनी है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि आखिर जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, रब करने से पहले का जो सिचुएशंस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल पोजिशंस में होते हैं, न्यूट्रल सिचुएशंस में होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग रब करते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले इस बात को हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड विथ ईच अदर्स, जब दो ऑब्जेक्ट रब किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन्स मे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट की ओर। जैसा मैंने आपको बताया कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझना है, इफ एन ऑब्जेक्ट लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिचुएशंस, रिमेंबर फ्रेंड्स, इफ एन ऑब्जेक्ट लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिचुएशंस, दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इफ एन ऑब्जेक्ट गेन्स सम इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिचुएशंस, दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। यही पर दो रीजंस हो रहे हैं क्रिएट, जिसके कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट रब करने के बाद क्या हो रहे हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने जाना कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हैं वो चार्ज्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो ट्रांसफर करता ही नहीं किसी ऑब्जेक्ट से। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स में जो भी चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं आफ्टर रबिंग, वो कैसे क्रिएट हो पा रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जो कहा जा रहा है वो पॉजिटिव है, कोई ऑब्जेक्ट है जो नेगेटिव है। जैसा यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो ग्लास रॉड है उसमें पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो सिल्क जो है उसमें नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हो इस पूरे लाइंस में। तो सबसे पहले हम लोग जान ले रहे हैं कि आखिर ये जो है पूरा मैटर वो आखिर क्या है। जैसा आप सभी देख पा रहे हो पिक्चर्स में, जो एम्बर होते हैं जब भी उनके साथ सिल्क का रबिंग होता है, तो एम्बर जो होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं और सिल्क में नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो आप जान गए हैं अभी तक कि कैसे पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं और कैसे नेगेटिव चार्जेस का क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है जैसा मैंने बताया कुछ देर पहले। अब है कि ये एम्बर क्या है। एम्बर एक तरह का रेजिन होता है, इसे बहुत पहले के लोग ऐसा ऑर्नामेंट के रूप में यूज करके पहनते थे, और आज भी बहुत ही जगह पर, रेयर जगह पर एम्बर का यूजेस होता है, ठीक है ना। याद रखने हैं, एम्बर में पॉजिटिव चार्ज, सिल्क में नेगेटिव चार्जेस। ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं, सिल्क नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। रिफिल जब रब होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं, पॉलीथीन नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, बलून नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, वहीं उलन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं, कॉम्ब नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, हेयर पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको जान लेनी है, और साथ में ये जान लेना है फ्रेंड्स कि ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं ना, इसके बारे में भी कुछ बातें आपको जान लेनी है, इनके अट्रैक्शंस और रिपल्स से जुड़ी कुछ बातों को। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं उनके बीच का इंट्रैक्शंस, इसके बारे में हमें जान लेना है। जैसा आप सभी पिक्चर्स में देख पा रहे हो, रिफिल जो होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ग्लास रॉड में भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपल्स करते हैं। नंबर टू, अब देखा जाए बैलून्स में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, कॉम में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, वो भी रिपल्स करते हैं। एम्बर में पॉजिटिव होते हैं, कॉम्ब में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो इनसे हमें क्या समझ में आ जा रहा है,
वो ये आ रहा है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपिल्स करते हैं एक दूसरे को, जैसा आप नंबर वन में देख पा रहे हो, लाइक चार्जेस वो एक दूसरे को रिपिल्स करते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर देते हैं, रिमूव करते हैं एक दूसरे को। वही नंबर थ्री में आप देख पा रहे हो एम्बर जो पॉजिटिव चार्ज में है, और जो कॉम्ब जो नेगेटिव चार्ज में है, वो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर्स। ये भी बात आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्जेस जो क्रिएट हो रहे हैं आफ्टर रबिंग यू कैन से वन अनदर मटेरियल्स में, तो क्या इसके बारे में जानने का और भी कुछ उपाय है? तो फ्रेंड्स ये कैसे हो पा रहा है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो फ्रेंड्स इसमें एक टर्म्स का यूज होता है, जब भी आफ्टर रबिंग जो ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं ना, तो वो चार्जेस का होना भी एक सीरीज को बताता है। तो चलिए जान लेते हैं वो सीरीज आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स उस सीरीज का नाम है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको बताए जाते हैं जिसमें पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं आफ्टर रबिंग। Friends, as you can see, our next word is electroscope. What do you mean by electroscope? जैसा आप सभी देख पा रहे हो, a device which is used to test whether an object is carrying charge or not, that device is called electroscope. ये बात भी आपको जान लेनी है, एक ऐसा device है या एक बहुत ही पुराना device है, ये भी बात आपको जान लेनी है। पहले के जो scientist है वो इस तरह के डिवाइस को यूज करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को वो जो चार्ज है या नहीं उनके बारे में डिटरमाइन कर सकते थे, डिटेक्ट कर सकते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। इसके बारे में कैसे पता लगा जाए, तो वो इस इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते थे। बहुत ही सिंपल डिवाइस है जैसा आपको यहाँ बताया गया है, एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का पिक्चर्स भी बताया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहां पर जो एल्युमिनियम फॉयल होते हैं, एक यू कैन से एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं एल्युमिनियम फॉयल के साथ जो एल्युमिनियम फॉयल्स को कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है ना, जैसा आप सभी देख पा रहे हो, जिसे हम लोग एक ऐसा स्ट्रिप्स कह रहे हैं जिसके थ्रू चार्जेस जो है वो कंडक्ट होते हैं। और ये जो चार्जेस हैं ये आफ्टर रबिंग कोई भी मटेरियल जब आप इसमें टच करते हो, तो एल्युमिनियम फॉयल का ये एक आप कैसे रखते हो कि उनका अट्रैक्शन होता है, उनका एक डिफ्लेक्शन होता है, ये आप समझ पाओगे जब भी चार्ज मटेरियल उनके सराउंडिंग्स में आप ले जाते हो उस थ्रू दैट कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो आप इजीली आप देख पाओगे कि एल्युमिनियम फॉयल में जो भी हो रहे हैं चेंजेस वो ये बताता है कि उसमें जो है वो चार्जेस हैं। जब भी दोनों एल्युमिनियम फॉयल फार अवे हो जाते हैं, ठीक है ना, यह इंडिकेट करता है कि इसमें जो चार्जेस हैं वो सेम ही चार्जेस हैं, ठीक है ना, सेम चार्जेस कंडक्ट करता है एक दूसरे को। जब भी आप उस एल्युमिनियम फॉयल को आप टच करते हो थ्रू हैंड्स, तो फिर चार्ज नहीं रहते हैं, वो फिर अपने प्रीवियस पोजीशंस में आ जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रोस्कोप एक तरह का एक ऐसा इंडिकेटिंग, ऐसा डिटेक्टिंग टेस्टर्स है, एक ऐसा डिवाइसेस है जिसमें यह पता लगा जा सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज वाले हैं या नहीं है। तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज चार्ज्ड एंड अर्थिंग, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज एंड व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग। तो पहले फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, हैविंग नो चार्ज, लॉस ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डिस्चार्ज। And what do you mean by earthing? When charged object is transferred by a medium, or when charge is transferred by any medium to the earth, that is called earthing. ये भी बात आपको जान लेनी है। तो friends, साथ में आपको ये भी जान लेना है, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा कि ये जो हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, इतनी देरी तक समझने की कोशिश कर रहे थे कि आफ्टर रबिंग जो हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स में चार्जेस का क्रिएशंस हो रहा है, और यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेन रीजन्स है लाइटनिंग के लिए, यह बात भी आपको जान लेनी है।
और लाइटनिंग जो हो रहे हैं ये ना हमेशा कंडक्टर्स का यूजर्स करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस में जाने के लिए, ये बात भी आपको जान लेनी है। और आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, ऑलवेज यूज करती है एक मीडियम का, एक ऐसे रीजन्स का, एक ऐसे वायर का जब इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस से अनदर प्लेस में जा सके। और साथ में आपको ये भी बात जान के रखनी है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी स्टोर है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जब भी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो हम देख पा रहे हैं उसे हम लोग नहीं ऐसे स्टोर कर सकते हैं जैसा आप स्काइज में देख पा रहे हो थंडर्स को, ऐसा कोई अभी तक ऐसा मशीन्स ऐसा डिवाइस नहीं बनी है जो ऐसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जो कि स्काइज में हो रहे हैं उन्हें हम स्टोर करके रख सकें और इनका यूजेस हम बाद में कर सकें। साथ में आपको ये जान लेना है जो स्काइज में जो थंडर्स हो रहे हैं उनके जो वोल्ट्स होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, मैंने लास्ट के वीडियोस प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताए थे साइक्लोन्स वाले चैप्टर्स में कि उनमें बहुत ही मिलियन वोल्ट्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल डायनामिकल जो इलेक्ट्रिकल होते हैं उनसे काफ़ी, उनका जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो स्काई क्रिएट कर रहे हैं जो नेचुरल फेनोमेना है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होते हैं, ये भी बात आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज लाइटनिंग कंडक्टर्स। क्या होते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स? जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया फ्रेंड्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही मेन रीजंस होते हैं इस लाइटनिंग के लिए। ये इतने ज्यादा वोल्टेज को क्रिएट करते हैं ना, ये अब पासेस थ्रू होना चाहते हैं। जब भी क्लाउड्स टू क्लाउड्स ये क्रिएशंस होते हैं तो ये फिर क्या करते हैं, ये अर्थ की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ये अर्थ की ओर आने की कोशिश करते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्प्रेड आउट होने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है थ्रू वायर्स, करती है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ऐसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट होते हैं ना फ्रेंड्स, जो स्काइज में क्रिएट हो रहे हैं वो अब पासेस होना चाहती है, तो वो ऐसे बिल्डिंग्स को टारगेट करती है जो सबसे हायर हो, स्काई स्क्रैपर्स को टारगेट करती है। अगर ऐसे स्काई स्क्रैपर्स उसको मिल जा रहे हैं, ऐसे बिल्डिंग्स मिल जा रहे हैं उसे, तो वो उनको टारगेट करती है और उनके थ्रू पासेस होना चाहती है। कहां पर? ऐसे जगह पासेस होना चाहती है जो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद वहां से वो इजिली अर्थ पे चली जाए। तो जनरली बिल्डिंग्स, ऐसे बिल्डिंग्स को वो टारगेट करती है, बिल्डिंग्स के थ्रू वो पासेस होना चाहती है अर्थ तक, ठीक है ना। तो अब है ऐसे बिल्डिंग्स में जब भी लाइटनिंग का हिट होता है ना, तो ऐसे बिल्डिंग्स में अगर एक कंडक्टर्स, स्पेशल कंडक्टर्स हम कहते हैं, वो अगर नहीं होते हैं इंस्टॉलेशंस, इंस्टॉल्ड का नहीं होता है, तो बिल्डिंग्स हिट करती है और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड हो जाती है। आप जानते हो ताजमहल्स में भी, ताजमहल्स बहुत बड़े हैं साइजेस में, बहुत लंबे हैं, उनका काफ़ी हाइट है, तो ताजमहल्स में भी लाइटनिंग कंडक्टर्स के लिए जो है इंस्टॉल्ड किए हुए हैं डिवाइस। साथ में आपको जान लेना है कि जितने भी लंबे लंबे, जितने भी बड़े जो बिल्डिंग्स हैं उनमें लाइटनिंग कंडक्टर्स होने चाहिए। पीछे का रीजंस जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जब भी थंडर्स होते हैं लाइटनिंग होती है तो वो पासेस होना चाहती हैं अर्थ तक में। तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइटनिंग कंडक्टर्स? तो लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है किसी भी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉयड होने से ये बचाती है, ठीक है ना। इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है? एक मेटालिक रॉड होते हैं, ठीक है ना, इनका इंस्टॉलेशन होता है। और इनसे क्या होता है, बहुत ही एक एरो जैसा ये बाहर निकला हुआ रहता है, एकदम टॉपेस्ट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का सबसे टॉपेस्ट जो पोर्शन है उसके ऊपर ये अबव में होता है, ठीक है ना। आप देख पाओगे बहुत ऐसे टेम्पल्स हैं हमारे, बहुत ऐसे टेम्पल्स हैं, ठीक है ना, बहुत ऐसे मॉस्क हैं, बहुत ऐसे चर्चेस हैं जिसपे आप देख पाओगे लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं लगे हुए, ठीक है ना। स्ट्राइक्स, जब भी स्काई में स्ट्राइक्स होती हैं तो उस कंडक्टर्स के थ्रू, एज इट नेम इम्प्लाइज कंडक्टर्स, आप जानते हो कंडक्टर्स में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पासिस होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो पासिस हो जाते हैं अर्थ तक, ठीक है ना। तो मेटेलिक रॉड, उनका इंस्टॉलेशन होता है और फिर उस मेटेलिक रॉड के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं जो लाइटनिंग का क्रिएट होता है, जो हाई वोल्टेज का क्रिएट होता है उस कंडक्टर्स के थ्रू। इससे क्या होता है, बिल्डिंग्स में कोई भी डैमेज नहीं होते हैं। बिल्डिंग्स जो जितने भी आप स्काई स्क्रैपर्स आप करो, जितने भी हाइट करो बिल्डिंग्स के, कोई इश्यूज नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसे बहुत ऐसे बिल्डिंग्स हैं अगर हाइट हो गए हैं बट कोई भी सेफ्टी के प्रिकॉशंस के लिए अगर देखा जाए तो कोई भी लाइटनिंग कंडक्टर्स नहीं रहे तो फिर वो बिल्डिंग डैमेज होने की पूरे चांसेस होती है, उस बिल्डिंग में चांसेस होते हैं लाइटनिंग हिट करने की, यह बात भी आपको जान लेनी। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी इस पिक्चर्स में देख पा रहे हो,
यह है लाइटनिंग कंडक्टर्स, आप देख पा रहे हो ना, ये इतने लंबे बिल्डिंग्स में आप देख रहे पा रहे हो, उसके जो बगल वाले बिल्डिंग्स है ना वो काफी शॉर्ट हैं, ये काफी हाइटेड वाले बिल्डिंग्स हैं, देख पा रहे हैं। इसमें एक इंस्टॉलेशन किया हुआ है कंडक्टर्स का, ठीक है ना, वो उनका इंस्टॉलेशन ऐसा है कि वो अर्थ ट्रक में चले जाते हैं, आप देख पा रहे हो, और वहां पर एक बॉटम्स में एक कॉपर प्लेट जो है वो रखी हुई है, इंस्टॉल की हुई है, उसके साथ कनेक्टेड है ये रॉड, ठीक है ना। जब भी स्काईज में लाइटनिंग होती है तो फिर इस रॉड के थ्रू वो इजिली अर्थ तक चली जाती है और बिल्डिंग जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, आवर नेक्स्ट वर्ड इज अर्थक्वेक। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? ये अर्थक्वेक क्या होते हैं, ये भी एक नेचुरल फेनोमेना है फ्रेंड्स। जिस तरह हमने पढ़े लाइटनिंग एक फेनोमेनन थे नेचुरल, एक अर्थक्वेक भी एक फेनोमेनन है, लेकिन आपको याद रखनी है ये डिस्ट्रक्टिव फेनोमेनन है, वो भी लाइटनिंग भी और ये अर्थक्वेक भी। तो अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना। और ये अर्थक्वेक जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होते हैं, ठीक है ना। जो डिस्ट्रक्टिव जो एनर्जी होते हैं अर्थ के, वो उससे हम लोग कह रहे हैं ट्रेमर्स, ये बात भी आपको जान लेनी है। ट्रेमर्स डिस्ट्रक्टिव एक एनर्जी होता है अर्थ का खुद का अपना, ठीक है ना, जिसके कारण से ऐसे अर्थक्वेक जो पॉसिबल होते हैं। आप सभी जानते हैं, जो भी हम ऐसे बहुत ऐसे प्लेसेस हैं, हम ऐसे बहुत ऐसे जगह में रहते हैं जहां पर हम अपने प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, रेलवे प्लेटफॉर्म्स के नियर्स में बहुत ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं, अगर वहां पर आप रहते हो तो आप देखोगे जब भी ट्रेन्स पासिस होती हैं तो बिल्डिंग्स जो है आपके वाइब्रेट होते हैं, ट्रेम्बल होते हैं, शेक करते हैं आपकी बिल्डिंग्स। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के लिए भी वह रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। और इस तरह जो है वो बिल्डिंग्स क्या करता है, शेक करता है, ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक हो रही है। आप ऐसा फील करके जरूर देखना फ्रेंड्स, कि जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स के बगल्स वाले, जो बिसाइड्स वाले जितने भी सारे बिल्डिंग्स है ना, वो जब भी ट्रेन पासस होती हैं तो वो शेक करती हैं। साथ में आपको जान लेना है कि ये जो अर्थ का जो ट्रेम्बलिंग जो प्रोसेस है, या फिर शेकिंग का जो प्रोसेस है ना, वो वल्कनिक इरप्शंस के कारण से भी रिस्पॉन्सिबल है। वल्कनिक इरप्शंस जो होते हैं अर्थ के नीचे, आप सभी को पता है अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ था, अर्थ में बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो अभी भी बहुत डेंस में है, बहुत कोर वाले जगह पर है, जैसा आप सभी देख पा रहे हो। अर्थ का जो क्रिएशंस है ना, ऐसे हैं हमारे अर्थ का क्रिएशंस, जहां पर क्रस्ट दिखाई देते हैं, मेंटल दिखाई देते हैं, आउटर कोर इनर कोर दिखाई देते हैं आपको। और हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं इस क्रस्ट पर, ठीक है ना। और अर्थ के जैसे ही आप नीचे चले जाओगे ना, बॉटम्स में चले जाओगे ग्राउंड से, ठीक है ना, डिग करते हुए, तो एक ऐसा कंडीशंस आएगा जो बहुत ही गर्म है, वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होता है वो काफी हाई होता है, ये बात भी आपको जान लेनी है। सबसे हायर डेंसिटी वाले जो मेटल्स होते हैं वहीं पर रहते हैं अर्थ के कोर्स में, ठीक है ना। और जैसे ही हम अबव साइड में आते हैं, यानी ऊपर की ओर आते हैं जैसे हम लोग, तो डेंसिटी जो है वो कम होता जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अर्थ के कोर्स में आप जान सकते हो निकल होते हैं, ठीक है ना, आयरन्स होते हैं, बहुत ऐसे मेटल्स हैं जो एज अ लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं, गैसियस फॉर्म्स में होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ये बात भी आपको जान लेनी है। क्योंकि बहुत ऐसे थ्योरीज हैं, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अर्थ का, जो आप अगर क्रिएशंस के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपने जानते हैं आप कि कैसे अर्थ का क्रिएशंस हुई है, क्यों इसके अंदर जो मेटल्स जो है एज अ लिक्विड फॉर्म में है और अभी भी जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। अब है वल्केनिक इरप्शंस में, ये ही जो लिक्विड्स हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और जैसा आप सभी को पता है, जब भी कोई लिक्विड्स वेपर कंडीशंस में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ट्राइड, ठीक है ना, ऐसे ट्राइड करते हैं कि वो बाहर अर्थ क्रस्ट में आ जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, एक शेकिंग करते हैं। ये अर्थक्वेक एक एनर्जी है, ये भी बात आप लोगों को जान लेनी है। अर्थ का एनर्जी एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पूरे अर्थ को या ट्रेम्बल कर सकता है, ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है हमारा जो अर्थ है इसमें 70% जो है वो वाटर सोर्स है, ठीक है ना, और 30% जो है वो लैंड मास है। और आपको ये भी जानना चाहिए फ्रेंड्स, जो ये लैंड मास है ना फ्रेंड्स, वो किसी भी एक पीस से नहीं बने हुए हैं,
तो फिर क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन है, इनका जो पार्ट पार्ट जो है वो इनसे ये बने हुए हैं। ऐसा आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले हमारा मिलियंस ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, हमारा जो अर्थ में जो लैंडमास था ना, जो आज डिफरेंट डिफरेंट आप देख पा रहे हो, कंट्रीज देख पा रहे हो, वो कभी एक ही साथ हुआ करते थे, जिसे हम लोग पेंजिया कह रहे हैं। पेंजिया में बहुत जो भी डिफरेंट तरह के आप कंट्रीज देख पा रहे हो, दैट टाइम्स में वो एक ही साथ थे, ठीक है ना। बट धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस के कारण, इस अर्थ के डिफरेंट शेकिंग प्रोसेस के कारण, ट्रेम्बल के कारण, ठीक है ना, अब है कि वो जो पेंजिया जो दैट टाइम जो थे वो धीरे धीरे अब डिस्ट्रीब्यूटेड होने लगे, वो उनका फ्रेगमेंटेशंस हो गया, ठीक है ना। अब उन्हें हम लोग जो फ्रेगमेंटेड जो पार्ट हो गए ना, अब उन्हें हम प्लेट्स कह रहे हैं, ये भी बात आपको जान लेनी है। और अर्थ का जो इस वोल्केनिक इरप्शंस आप कहें, या फिर डिफरेंट तरह के आप अर्थक्वेक को कहें, इस प्लेट्स के कारण ही ये पॉसिबल हो रहा है, ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। प्लेट्स का मोशंस होता है, ठीक है ना, जैसा आप सभी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो, प्लेट्स जो मैंने कहे, डिफरेंट तरह के प्लेट्स हैं, वो रेस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक के लिए। उस प्लेट्स का डिफरेंट तरह के मोशंस होते हैं, ठीक है ना, उनका मोशंस होता है, और मोशंस के कारण शेकिंग ऑफ द अर्थ होती है, दैट मीन्स अर्थक्वेक का क्रिएशंस होता है, यह बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। और अर्थक्वेक को कभी भी आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ये भी बात आपको जान लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रिडिक्शंस जो है वो अर्थक्वेक के लिए कभी भी वर्क नहीं करती है। अर्थक्वेक, अर्थ का बनना, ठीक है ना, अर्थ का ओरिजिन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में जान लेंगे फ्रेंड्स, कैसे अर्थ का क्रिएशन हुआ था, कैसे डिफरेंट लेयर्स जो है वो पाए जाते हैं इस अर्थ में, कैसे इनर कोर में इतना टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है ना, डिफरेंट तरह के लिक्विड्स का, मेटल्स का, डिफरेंट तरह के एज अ लिक्विड फॉर्म्स में जो होते हैं, कैसे वो डेंजर प्लेस में हो गए हैं, ठीक है ना, इनके बारे में हम हायर क्लासेस में जान लेंगे। नेक्स्ट हमने जान लेना है फ्रेंड्स कि सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स जो है वो आखिर क्या होते हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि अर्थ का जो सिकिंग होता है, ये प्लेट के मूवमेंट्स के कारण से ही होता है, ठीक है ना, ये जो प्लेट्स है ना फ्रेंड्स, ये ही वीक जोन्स हम कहते हैं, ठीक है ना, वीक जोन्स को ही हम सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कोई भी पार्ट में जब फॉल्ट्स का क्रिएशंस होता है ना, तो उस पार्ट्स को मूवमेंट में सबसे ज्यादा चांसेस बनी होती हैं उसी पार्ट्स के, जिस पार्ट्स का मूवमेंट ऑलवेज होता है, आप ऐसा जानोगे, जब भी कोई वॉल्स में, जब भी ऐसे किसी फ्लोर पर अगर क्रैक हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग जनरली क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, कि ऐसे क्रैक वाले प्लेसेस पर नहीं हमें जाना चाहिए, बिकॉज ऐसे चांसेस होते हैं कि दैट क्रैक से वह पार्ट जो है वो फॉल डाउन हो जाए, ये बात भी आपको जान लेनी है। इसी तरह सेम जो होते हैं, यही सेम केसेस अप्लाई होते हैं अर्थ के लिए भी, जो प्लेट्स होते हैं ना, दैट पार्टिकुलर प्लेस में, जो प्लेट्स में जो भी कंट्रीज हैं, जो भी रीजन्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थक्वेक के लिए, और सबसे ज़्यादा जो वेव्स हैं उसी वाले रीजन्स में फील होते हैं, जिन्हें हम लोग, ऐसे फील्ड्स को हम लोग सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। साथ में आपको जान लेना है फ्रेंड्स, ये जो वेव्स है ना, ये इनका एक एपी सेंटर होता है, जैसा आप सभी देख पा रहे हो, अर्थ का जब भी क्रिएशंस होते हैं ना अर्थक्वेक्स का, तो उनका एक एपिसेंटर होता है, आप देख पा रहे हो पिक्चर्स में, एपिसेंटर से ही डिफरेंट तरह के जो अर्थक्वेक के जो एनर्जी है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, वो क्रिएट होते हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हो। इसमें डिफरेंट तरह के सिस्मिक वेव्स भी क्रिएट होते हैं, वेव्स, सिस्मिक वेव्स को आप कैसे जान पाओगे, जब भी आप ऐसे किसी पॉन्ड्स में जाओगे, बहुत ही स्टडी पॉन्ड्स होगा, उसमें आप एक ड्रॉप ऑफ ऐसे कोई भी पेबल्स आप देते हो, तो उसमें एक वेव्स का क्रिएशन होता है, वैसा ही वेव्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं अर्थक्वेक, और उस वेव्स में आने वाले जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी रीजन्स हैं, शेक करने लगते हैं, और उसके अपसाइड्स में,
यानी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट जितने भी सारे बिल्डिंग्स हैं वो शेकिंग करने लगते हैं और हम फील करते हैं एज अ अर्थक्वेक का. फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज सिस्मोग्राफ. व्हाट डू यू मीन बाय सिस्मोग्राफ? जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको कुछ देर पहले कहा, अर्थक्वेक के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एनर्जी है जिसे हम लोग ट्रेमर्स कह रहे हैं ना, तो वो ट्रेमर्स वो प्रोड्यूस करती है जब अर्थ, तो उससे क्रिएट होती है सिस्मिक वेव्स का. और सिस्मिक वेव्स को जिस हम इंस्ट्रूमेंट से उनका रिकॉर्ड करते हैं, उनका कैलकुलेशंस करते हैं, उसे ही हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं. जैसा आप सभी देख पा रहे हो, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स. द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ. तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी सिस्मोग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख पा रहे हो, ये है सिस्मोग्राफ. और जब भी अर्थ का ऐसे ट्रेम्बल होता है, शेकिंग होता है, तो फिर ये जो पेन है ना, ये भी क्या करती है, शेक करती है और ऐसे मार्क के थ्रू ऐसे वो क्रिएशंस कर देती है कि वो कितना शेक हो पा रहा है, ठीक है ना. और ये कनेक्टेड होती है एक पेंडुलम बॉब से, जैसा आप सभी पिक्चर्स में देख पा रहे हो, ठीक है ना. सिस्मोग्राफ आपने जरूर देखे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना. तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं आज के इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में. तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर वन में हमसे क्या पूछे गए हैं. जैसा आप सभी देख पा रहे हो, क्वेश्चंस नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजिली बाय फ्रिक्शंस. तो इनमें से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो, आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं. तो उन ऑप्शंस को देखकर आपको यह बताने हैं कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, ठीक है ना, जिसे आप इजिली फ्रिक्शंस के थ्रू चार्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना. तो वह कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं. जैसे ऑप्शंस में है ए अ प्लास्टिक स्केल, एक प्लास्टिक का स्केल है. बी अ कॉपर रॉड, एक कॉपर का रॉड एक है. एंड इन्फ्लेटेड बैलून्स, ठीक है, एक इन्फ्लेटेड बैलून्स है जिसमें एक ऐसा बैलून जिसमें हवा जो है वो भरी हुई है. और डी उलन क्लॉथ, एक उलन क्लॉथ है, ठीक है ना. तो आपको बताना है कि इजिली फ्रिक्शंस के थ्रू, रबिंग के थ्रू हम इनमें चार्ज को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो वही कौन से ऑप्शन है, ठीक है ना. तो आप सभी जानते हो प्लास्टिक स्केल्स में भी चार्ज जो है वो इजिली हो जाते हैं, ठीक है ना. साथ में आप जान लोगे कि उलन क्लॉथ भी वो चार्ज को क्रिएट कर देते हैं बाई रबिंग के थ्रू, ठीक है ना. साथ में एन इन्फ्लेटेड बलून्स भी, उनमें भी चार्ज हो जाते हैं. लेकिन चार्ज जो नहीं होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट, उन्हें उन्हें होने में टाइम्स लगते हैं, ठीक है ना. उन्हें हम कह रहे हैं अ कॉपर रॉड. आपका आंसर होगा कॉपर रॉड. इसके पीछे का रीजंस मैंने आपको बताया कुछ देर पहले ही कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक का जो एक सीरीज होता है ना, उसमें भी कॉपर्स बहुत ही बॉटम्स पोजिशंस में है. ये बात भी आपको जान लेनी है. मैंने आपको कुछ देर पहले ही चार्ट को बताया कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होते हैं. साथ में आपको ये भी जान लेना है कि कॉपर जो रॉड होते हैं ना, ये एक एज अ कंडक्टर के रूप में ये वर्क करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक का जो चार्ज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसफर हो जाते हैं. ये बात भी आपको जान लेनी है. वह एज अ कंडक्टर के रूप में वह वर्क करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम जान ले रहे हैं, वह होगा अ कॉपर रॉड, ठीक है ना. अब देख पा रहे हो. नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर टू में हमसे क्या पूछे गए हैं. अब देख पा रहे हो, जैसा व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ द रॉड, ठीक है ना. जब एक ग्लास रॉड को रब किया जा रहा है, ठीक है ना, किसके साथ रब किया जा रहा है, द पीस ऑफ सिल्क क्लोथ के साथ. एक पीस है सिल्क का, ठीक है ना, सिल्क क्लोथ का एक पीस है, उनके साथ जो है वो ग्लास रॉड को रब किया जा रहा है, ठीक है. मैंने आपको बताया था अभी वीडियोस में भी इसको. तो अब है कि अब क्वेश्चंस क्या है, ये आपका क्वेश्चंस हो गया, आपके ऑप्शन से फोर. इस फोर ऑप्शंस में आपको विच वन इज करेक्टेड यू हैव टू गिव द आंसर्स, ठीक है ना. एंड द क्लोथ, जैसे ए में कहा गया ऑप्शन में, एंड द क्लोथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मतलब जब एक ग्लास रॉड लिया जा रहा है, ठीक है ना, उस पर हम रब कर रहे हैं पीस ऑफ क्लॉथ से, तो ऑप्शंस ए में हो रहे हैं, क्लोथ्स जो हो रहे हैं बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्जेस हो जा रहे हैं. दैट मींस जो सिल्क का जो क्लोथ्स है, ठीक है ना, और साथ में आपका जो ग्लास रॉड है, क्या दोनों में ही
पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है। नंबर बी, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लोथ हैज अ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज तो होंगे, ठीक है ना, किसमें, ग्लास रॉड्स में पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जबकि अनदर साइड्स में देखा जाए तो क्लोथ्स में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या यह हो जाएगा? ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, एंड द क्लोथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। आप ऐसा बोल सकते हो, क्लोथ जो होते हैं, ठीक है ना, वो नेगेटिव चार्ज में हो जाएंगे दोनों ही, माने क्लोथ्स का भी हो जाना नेगेटिव चार्ज, और आप साथ में बोल सकते हो कि उस जो ग्लास रॉड है वो भी नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। साथ में आप बोल लोगे कि बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लोथ हैज अ पॉजिटिव चार्ज। अब हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज, कौन नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, यानी आपका जो रॉड है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि जो क्लोथ है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैंने आपको वीडियोस में बहुत बार ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर्स भी मैंने आपको बताया, जब भी हम लोग एक ग्लास रॉड्स लेते हैं, ठीक है ना, तो ग्लास रॉड्स जो होता है उसमें हम रब करते हैं एक सिल्क के क्लोथ्स के थ्रू, तो सिल्क का जो क्लोथ है वो आफ्टर रबिंग जो होते हैं वो जनरली एक नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन करते हैं। नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे होता है, मैं इन सभी बातों को आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स। तो जो सिल्क वाले जो क्लोथ्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, और जो ग्लास रॉड है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बात आपको जान लेनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जो आपका जो आंसर्स होगा वो इनमें से फोर में से नंबर बी वाला है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लोथ हैज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिवली चार्ज तो हो जाएंगे, लेकिन जो आपका क्लोथ है वो आपका नेगेटिव चार्ज वाला होगा, ये बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जहां वो स्टेटमेंट्स हैं, हो सकते हैं फॉल्स हैं, हो सकते हैं वो ट्रू है, तो जो अगर ट्रू वाले हैं तो उसके अगेंस्ट आपको टी लिखना है, और जो फॉल्स होने वाले स्टेटमेंट्स तो उसके अगेंस्ट में आपको एफ लिखना है। तो चलिए देख ले रहे हैं कि वो स्टेटमेंट्स जो है वो आखिर क्या है। ए, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? तो ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स। तो लाइक जो चार्जेस होते हैं क्या वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये है आपका क्वेश्चंस। तो लाइक चार्जेस जो है फ्रेंड्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये आपका बिल्कुल तरह से फॉल्स है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप ऐसे जान लो कि अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका चार्जेस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और अनदर ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, जो मान लो आप जो लाइक चार्जेस, दैट मींस बैलून्स है, दो बैलून्स आपने लिए हैं, रब किए हैं, दोनों में ही अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहे हैं तो क्या दोनों लाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो दोनों ही बैलून्स जो है क्या वो अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, आपको ये जान लेना है फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बताया कि लाइक जो चार्जेस होते हैं क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे आखिर नंबर क्वेश्चंस बी में हमसे क्या पूछे गए हैं। अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। जो चार्ज ग्लास रॉड होते हैं क्या वो अट्रैक्ट करते हैं चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ को, बिल्कुल करेक्ट है, ये बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो ग्लास रॉड एंड द चार्ज प्लास्टिक रॉ एक दूसरे को अट्रैक्ट दैट कंडीशंस में करते हैं जब एक दूसरे का जो चार्ज होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये बात भी आपको जान लेनी है। डिफरेंट जो चार्जेस होते हैं, दैट मींस वन ऑफ द चार्जेस इज पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैंने आपको वीडियोस में भी कई बार बताया, इसलिए यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे लाइटिंग, नंबर सी, लाइटिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग। जो लाइट का कंडक्ट करते हैं ऐसे कंडक्टर्स मैंने भी बताए, तो वो क्या प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं बिल्डिंग को लाइटिंग से? क्या लाइटिंग जब होती है, थंडर्स होते हैं, लाइटिंग होती है, तो क्या लाइटिंग कंडक्टर्स जो होते हैं क्या बिल्डिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं? तो कंडक्टर वर्ड ही रेफर करता है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट,
मैंने आपको कई बार वीडियोस में भी बताया, तो लाइट को कंडक्ट करने वाला ऐसा कंडक्टर्स है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, लाइट्स में जो भी एनर्जी रिलीज करती है लाइटिंग के थ्रू, उस एनर्जी को वो अर्थ तक ले जाता है, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है। और इस तरह से लाइटिंग से होने वाले जो डैमेजेस होते हैं, जो डैमेज हो रहे हैं थंडर्स के थ्रू, जो डैमेज हो रहे हैं बिल्डिंग्स में, वो बिल्डिंग्स जनरली इजीली आप बोल सकते हो सेफली सेफ हो जाता है, उसमें कोई भी डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं दैट पार्टिकुलर बिल्डिंग्स में। आपने कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स देखे होंगे जहां पर टॉप ऑफ द फ्लोर्स में एक ऐसे निप पॉइंट जैसे कुछ पॉइंटिंग किए हुए रहते हैं, जैसा आप जानते हो कि जो हमारा ताजमहल है वहां पर भी है, अब भी जान रखेगा, जितने भी सारे जो हायर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें भी लाइटिंग को कंडक्टर्स करने के लिए बहुत ऐसे कंडक्टर्स जो है इंस्टॉल्ड हैं, जो लाइटिंग को जनरली क्या करते हैं, कंडक्ट कर देते हैं फ्रॉम द स्काई से लेकर सीधा यहां पर ले आते हैं ग्राउंड लेवल तक, और एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है विदाउट, आप बोल सकते हो कोई भी डिस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं दैट बिल्डिंग्स, पर्टिकुलर बिल्डिंग्स में, ठीक है ना, और जो बिल्डिंग है वो आपका सेफ हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन है, लाइटिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग, तो यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। कैन लाइटिंग कंडक्टर कैन प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग, कैन नॉट नहीं होगा, इसीलिए ये आपका फॉल्स है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखनी है। तो नंबर जो सी है आपने जान लिया कि नंबर सी वाले भी फॉल्स है, ठीक है ना, लेकिन नंबर जो बी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट वन इज नंबर डी, अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। तो अर्थक्वेक जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, अर्थक्वेक को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है एडवांस में, यह भी बात आपको जान लेनी है, ठीक है ना। तो इसीलिए यह जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा वो होगा बिल्कुल पूरी तरह से फॉल्स, यह बात भी आपको जान लेनी है। जैसा आप सभी देख पा रहे हो आंसर्स में ये फॉल्स है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात भी आपको जान लेनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चंस नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस नंबर 4, समथिंग अ क्रैकलिंग साउंड्स इज हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर्स ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन करना है आपको। आपने बहुत ऐसे टाइम्स को अगर आपने नोटिस किया है कि एक जब भी हम लोग स्वेटर्स को जब ऑफ कर रहे होते हैं, जब अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं ना विंटर्स के टाइम, तो आपने देखे होंगे कि उसमें क्रैकलिंग साउंड्स का क्रिएशन होता है। अगर आप नाइट में देखोगे तो जनरली आपको कुछ स्पार्क्स भी वो आप देख पाओगे, ठीक है ना। तो इसके पीछे का रीजंस क्या है ये आपसे पूछे गए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है जब भी हम लोग टेकिंग ऑफ कर रहे हैं स्वेटर्स को ड्यूरिंग विंटर्स, तो जब एक क्रैकलिंग साउंड्स जो सुन पा रहे हैं इसके पीछे का क्या रीजंस है वो आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये जान लो, जनरली ये चार्जेस के कारण ही हो पा रहे हैं, ठीक है ना, चार्जेस हो जाते हैं वो आपका स्वेटर्स, जिसके कारण से हमारे बॉडीज में जो प्रेजेंस, हमारे स्किन्स में जो प्रेजेंस हेयर है ना, जब भी आप हमारे जो हैंड्स हैं उनमें जो चार्जेस हो जा रहे हैं, अगर आप बार बार रब करोगे देन आप इजिली आप सुन पाओगे दैट टाइप के साउंड्स को। तो चलिए देख ले रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे देना है। नॉर्मली स्वेटर्स इज मेड ऑफ उल, नॉर्मली जो स्वेटर्स होते हैं वे उल से ही बनते हैं, एंड द अदर इनर क्लोथ्स लाइक शर्ट्स आर मेड अप ऑफ कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर्स। जनरली जो स्वेटर्स होते हैं वो उल से ही बनते हैं, एंड अदर जो इनर जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो जैसे आप मान लो कि शर्ट्स होते हैं वो तो कॉटन से ही बनते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शंस, याद रखनी है, ड्यू टू फ्रिक्शंस अमॉन्ग दिस, जब भी फ्रिक्शन होता है इनके बीच में तो एक स्टैटिक चार्ज गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द स्वेटर्स। तो स्टैटिक चार्जेस का क्या होता है, एक एक्यूमुलेशन हो जाते हैं, स्टैटिक चार्जेस हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं दैट पार्टिकुलर्स में, किसमें, उस स्वेटर्स में। व्हाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर्स एन इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑकर्स बिटवीन स्वेटर्स एंड द बॉडी विच रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग ऑफ स्पार्क्स एंड क्रैकलिंग साउंड्स। जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जब भी ये जो हो रहा है एक फ्रिक्शन हो रहा है बॉडी में डिफरेंट तरह के, जब भी हम लोग किसी भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अगर वियर करते हैं, किसी भी ऐसे क्लोथ्स को हम लोग वियर कहते हैं, तो मैंने कहा कि इस अर्थ पर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं उन सभी में चार्जेस होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन हो रहे हैं, आप जान पा रहे हो, जब भी आप
स्वेटर्स पहन रहे हो तो उसके अंदर जो भी आप पहन रहे हो तो चार्जेस क्या हो रहे हैं ना, उसमें एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, स्वेटर्स आपके बॉडी से रब कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण स्टैटिक चार्जेस उसमें एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, किसमें, स्वेटर्स में। अब जब भी हम लोग टेकिंग ऑफ कर रहे हैं, जब भी हम लोग उतार रहे हैं अपने बॉडी से स्वेटर्स को, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का एक डिस्चार्ज हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक जो भी उसमें, अब ये जान लो कि जो भी चार्जेस है उसमें, वो अब चार्जेस अब बाहर निकलना चाहती है, वो बाहर निकल रही है। तो जैसे ही ऐसा हो रहा है स्वेटर्स बिटवीन स्वेटर्स एंड द बॉडी, तो हो रहा है क्या कि उसमें एक स्पार्क्स का क्रिएशन हो रहा है, क्रैकलिंग साउंड्स का क्रिएशन हो रहा है। जब भी आप बहुत देर तक स्वेटर्स को पहने हो, ऐसा भी आप देखोगे कि विंटर्स के टाइम या फिर नाइट के टाइम आप देखोगे, विंटर्स में नाइट के टाइम आप देखोगे कि स्वेटर्स को आपने वियर किया हुआ है, दैट टेकिंग ऑफ कर रहे हो दैट पर्टिकुलर टाइम्स में रात को, ठीक है ना। आपका रूम जो है वो बिल्कुल डार्क होना चाहिए, और देन आप अपने हैंड्स आप रब करोगे दैट पर्टिकुलर स्वेटर्स को, आप देखोगे कि क्रैकलिंग साउंड जो हो रहे हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, और स्पार्क्स जो है आपको बिल्कुल दिखाई देंगे आपको एट द नाइट, ठीक है ना। तो नाइट टाइम में आपको स्पार्क्स भी दिखाई देंगे और क्रैकलिंग साउंड्स भी आपको इजीली आप सुन पाओगे। फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आगे, क्वेश्चंस नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। तो आपसे पूछा गया है कि जब भी चार्ज बॉडी को, ठीक है ना, चार्ज बॉडी वो अपना चार्जेस होते हैं, जो भी चार्ज बॉडी में जो चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, वो लूज कर देती है, खो देती है। क्यों लूज करती है, क्या कंडीशंस होता है? जब भी हम लोग एज अ ह्यूमन बींग अपने हैंड से जब उस चार्ज बॉडी को टच करते हैं, तो वह चार्ज बॉडी अपना चार्ज को लॉस कर देती है, खो देती है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजंस क्या है वो आपसे पूछा गया है। जब भी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो चार्ज है, हम टच कर रहे हैं, तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, उससे डिसअपीयर हो जा रहे हैं, ठीक है ना, वो फिर से एज अ न्यूट्रल जैसा वर्क करने लग रहा है। पीछे का कारण क्या है वो आपको बताना है। जैसा आप सभी जानते हो जो हमारा जो ह्यूमन बींग, हमारा जो बॉडी है, वो एक गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, ये बात भी आपको जान लेनी है। अब क्या होता है, हमारे बॉडी के थ्रू क्या हो रहे हैं, जो कंडक्ट हो रहे हैं जो चार्जेस का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो जा रहे हैं। हैंड्स से टच कर रहे हैं, तो हैंड्स के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी से कंडक्ट होते हुए यह क्या कर जाती है, अर्थ में चली जाती है। तो जैसा ही अर्थ में चली जाती है, तो चार्जेस जो होते हैं फिर वो उनका कोई वैल्यूज नहीं रहता है। अर्थ में चले जाने से क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं वो वैनिश्ड हो जा रहे हैं, वो खत्म हो जा रहे हैं, ये बात आपको जान लेनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब है इस प्रोसेस को, जैसा मैंने कहा कि बहुत ऐसे थंडरिंग के समय, लाइटिंग के समय जो भी अट्रैक्ट किए जाते हैं बिल्डिंग्स के थ्रू, बिल्डिंग्स में जैसा मैंने आपको लास्ट के क्वेश्चंस में बताया कि बिल्डिंग्स में जो टॉपर्स जो फ्लोर होते हैं ना, सबसे टॉपेस्ट जो फ्लोर होते हैं, उसमें आप देखोगे एक बहुत ही शार्पन जो ऑब्जेक्ट है वो उनका इंस्टॉलेशन होता है, वो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड अब यू कैन से द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग तक आप देख पाओगे, ठीक है ना, यह ग्राउंड लेवल तक होता है। तो जो भी लाइटिंग आते हैं उस दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो जैसा मैंने कहा जो पार्टिकुलर जो एरोज में बने होते हैं, उनके थ्रू ये ग्राउंड में चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है स्काई से ग्राउंड तक, ठीक है ना। और जो हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स जो हो रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, जितने भी सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, अब उनका डिस्ट्रॉयड नहीं हो पा रहा है, वो इजिली रह जा रहे हैं, वो सेफ हो जा रहे हैं। उसी तरह यहां पर कहा गया है कि चार्जेस बॉडी को जैसे हम लोग टच कर रहे हैं, तो उसमें से चार्जेस क्यों लॉस हो जा रहे हैं। तो चलिए देख ले रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे देना है। ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी जानते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो उनका जो बॉडी है एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज व्हेन वी टच इट विद हैंड्स। जब भी चार्ज बॉडी क्या करते हैं, वो लॉस कर देती हैं, खो देती हैं अपना चार्ज को, जब भी हम लोग टच करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, हैंड्स के थ्रू जब हम लोग हेल्प वो करते हैं, टच करते हैं, तो वो चार्जेस बॉडी अपना चार्जेस जो है वो ट्रांसफर कर देती है। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है रीजंस वो आप देख लें। बिकॉज द चार्जेस गेट ट्रांसफर थ्रू आवर बॉडी टू अर्थ। जैसा मैंने आपको कहा कि जो चार्जेस होते हैं उनका ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है ना,
किसके थ्रू हो जा रहे हैं, हमारे बॉडी के थ्रू चार्जेस का ट्रांसफर हो जा रहा है। कहां तक हो रहा है ट्रांसफर, वो अर्थ तक हो जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही अर्थ तक चले जा रहे हैं, अब उस चार्ज का कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना। दैट पर्टिकुलर चीज जो है वो सेफ है, वो चार्जेस का ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है ना। चार्जेस का ट्रांसफर हो जा रहा है तो हमारे बिल्डिंग्स भी सेफ हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप जैसे ही चार्जेस जो है ट्रांसफर हो जा रहे हैं, चार्जेस जो लॉस कर दे रहे हैं थ्रू आवर बॉडीज के थ्रू अर्थ में चले जा रहे हैं, तो फिर क्या आप देख पा रहे हो जो मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्जेस के थ्रू, तो वो नहीं हो पाता है, वो फिर अपने जो प्रीवियस पोजिशन है उसमें आ जाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि थ्रू हमारे बॉडी में अर्थ में चले जा रहे हैं चार्जेस, तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। जैसा आपने जाना वीडियोज में भी कि जो प्रोसेस है अर्थिंग का, जो प्रोसेस है उसमें क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस, वहां पर ट्रांसफर होते हैं चार्जेस, ठीक है ना। तो चार्जेस फ्रॉम चार्ज बॉडी से, चार्जेस बॉडीज जो होते हैं, जो चार्ज बॉडी है उनसे क्या हो रहा है, चार्जेस का ट्रांसफर हो जा रहा है टू द अर्थ, अर्थ तक ट्रांसफर हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग के नाम से जानते हैं, जहां पर चार्ज बॉडी का ट्रांसफर हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू अर्थिंग तक, अर्थ तक, उसे हम लोग अर्थिंग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्केल on which the destructive energy of an earthquake is measured. आपको उस स्केल के नाम बताने हैं जिनके थ्रू हम उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो अर्थक्वेक जो क्रिएट करते हैं उससे हम लोग मेजर्स कर पाते हैं, उस स्केल का क्या आप नाम जानते हो, ठीक है ना। एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल, जो अर्थक्वेक जो मेजर्स करते हैं 3, ठीक है ना, दिस स्केल्स में, वुड इट बी रिकॉर्डेड बाई अ सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगर अर्थ क्विक जो अगर ये मैसेज करता है कि उसका स्किल्स में 3 है, तो क्या इसे सिस्मोग्राफ जो होते हैं उसे रिकॉर्ड कर पाते हैं या नहीं, वो आपसे पूछा गया है। इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज, क्या आपको ये लग रहा है कि यह बहुत ही ज्यादा डैमेज है, तो बहुत ही सारे आपको जो है आपके व्यूज जो है, आपके क्या अपने ओपिनियन है वो आपको जानने चाहे इस क्वेश्चन में। जैसे किसी भी प्लेस में अगर अर्थक्वेक होते हैं, स्केल्स पर उसका मेजरिंग होता है 3, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। वुड इट बी रिकॉर्डेड बाई ए सिस्मोग्राफ, क्या ये सिस्मोग्राफ्स पर ये रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। और आपको क्या ऐसा लग रहा है, इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज, ठीक है, क्या ये मच डैमेज होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको आपका जो व्यूज है आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख ले रहे हैं ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे देना है। जैसे आप सभी देख पा रहे हो रिक्टर स्केल, आप देख पा रहे हो रिक्टर स्केल्स मेजर द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की जो एनर्जी का मेजरिंग जो करता है उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। आप सभी ने जाना वीडियोस में, आप सभी जानते हो पहले से भी कि रिक्टर स्केल्स के थ्रू हम डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का मेजर्स कर पाते हैं जो एक अर्थक्वेक क्रिएशन करता है। साथ में आपको जान लेना है कि आपका आंसर जो है नेक्स्ट वन इज यस, सिस्मोग्राफ कैन मेजर्स एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन रिक्टर स्केल्स। जो अर्थक्वेक जो क्रिएट करते हैं जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज को, ठीक है ना, उन्हें सिस्मोग्राफ इजीली मेजर्स कर पाते हैं। अगर ऐसे एनर्जी है जिसका मेजरिंग पॉइंट है 3 ऑन रिक्टर स्केल्स, तो उन्हें इजीली सिस्मोग्राफ जो है मेजर्स कर पाते हैं, क्योंकि सिस्मोग्राफ एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ही डिवाइस है जो इजीली किसी भी पॉइंट पर जो भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अर्थ जो क्रिएट कर रहा है थ्रू अर्थक्वेक के थ्रू, ठीक है ना, उसे आप इजीली आप देख पाओगे, आप इजीली उसे मार्क कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सिस्मोग्राफ किसी भी अमाउंट ऑफ जो एनर्जी जो क्रिएट होते हैं उसे इजीली वो मेजर्स कर पाता है। नेक्स्ट है इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी एंड विल नॉट कॉज एनी डैमेज। जहां पर आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जब भी मैग्नीट्यूड आपका 3 आ रहा है रिक्टर स्केल्स पर, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ही डैमेज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है अर्थक्वेक का एनर्जी। तो आपको यह जान लेना है कि इस जो इंटेंसिटी है, किसका इंटेंसिटी है, जो अर्थक्वेक जो भी एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं बाहर निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं,
अर्थक्वेक के थ्रू, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा टेक्टोनिक प्लेट्स में जो भी डिस्ट्रक्टिव फंक्शंस होते रहते हैं तो उसमें जो एनर्जीज का क्रिएट होता है जो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो इंटेंसिटी होता है वो काफी लो होता है, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी एंड विल नॉट कॉज एनी डैमेज। तो 0.3 का जो डैमेजेस है वो ज्यादा नहीं होता है, 0.7, 0.8, 0.9 का जो डैमेजेस होता है, ये बात भी आपको जान लेनी है, उनका डैमेजेस बहुत ही ज्यादा होता है। उसमें जो डिस्ट्रक्टिव जो आप बोल सकते हो, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव जो है वो ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं, बिल्डिंग्स के हो सकते हैं, अभी बहुत ऐसे मॉन्यूमेंट्स के हो सकते हैं, जो एरियाज है, जो भी पर्टिकुलर एरिया जहां पर जो भी जो कोर है, जो कोर से एनर्जी का क्रिएट हो रहा है, जिस कोर से, ठीक है ना, वहां से एनर्जी जो निकल रही है उस पर्टिकुलर एरियाज में अगर 7, 8 और 9 पॉइंट्स के जो भी आप ऐसा मैग्नीट्यूड आप देख पा रहे हो रिक्टर स्केल्स में, तो वहां पर चांसेस होते हैं बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होने के, ये बात भी आपको जान लेनी है। नेक्स्ट वन हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चंस नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटिंग। आपको ऐसे सजेशंस देने हैं, सजेस्ट करने हैं आपको 3 मेजर्स को, 3 उपाय आपको बताना है, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, खुद को प्रोटेक्ट करना है लाइटिंग से, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मेजर्स आपको सजेस्ट करने हैं। तो वो कौन से 3 मेथड्स हैं और 3 ऐसे मेजर्स हैं जो आप सजेस्ट करोगे, तो चलिए देख ले रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमें क्या देना है। तो आप सबसे पहले आपको लिखना है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग लाइटिंग। लाइटिंग जब भी होती है तो उस समय आप क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हो, वो एक हेडिंग देना है। फ्रेंड्स आपको अब क्या मेजर्स लिखने हैं चलिए देख ले रहे हैं। नंबर 1 आप लिखोगे ओपन स्पेस इज डेंजरस। जो ओपन स्पेस होते हैं वह लाइटिंग के टाइम बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है ना। टेक कवर अंडर अ बिल्डिंग, आपको एक किसी बिल्डिंग्स में आपको जो है शेल्टर्स के लिए जाना चाहिए, यह बात भी आपको जान लेनी है। ओपन जो स्पेस होते हैं वह लाइटिंग के टाइम बहुत डेंजरस होते हैं, इस बात को भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज थंडरस्टॉर्म इज एन इंडिकेशन टू रश फॉर सेफर प्लेस। जब भी थंडरस्टॉर्म्स होते हैं उस समय वो इंडिकेशन होता है कि लाइटिंग हो सकते हैं, थंडर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट पार्टिकुलर जो स्टॉर्म्स होते हैं वो एक इंडिकेशन करता है कि अब जो है हमें सेफर किसी प्लेस में चले जाना चाहिए। अगर हम किसी ओपन जगह में हैं तो हमें क्या करना है, ओपन प्लेसेस से हमें किसी सेफर प्लेस में जाना चाहिए। अगर हम किसी ऐसे वाटर सोर्स में अगर हैं, अगर हम बेथिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वाटर सोर्स में प्रेजेंस है, ठीक है ना, बहुत बड़ा एरिया है, लार्ज एरिया है, वहां पर वाटर का सोर्स है, नियर द वाटर्स है, तो उस प्लेस से आपको चले जानी है बहुत तुरंत, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे एरियाज हैं, अगर किसी हम मेटल्स, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट पर अगर वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क भी हमें रोक देनी है, ये बात भी आपको जान लेनी है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर्स होते हैं। इसके बारे में आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे, ठीक है ना। तो मेटल्स को अगर टच किए हुए हैं तो जनरली आप जानते हो विंडोज जो होते हैं उसमें जो मेटल्स होते हैं ना, तो उसे हमें थंडर्स के टाइम, लाइटिंग के टाइम हमें टच नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रीजंस, मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हम लोग लिख लेंगे कि वंस थंडरिंग स्टॉप्स, ठीक है ना, जब भी थंडरिंग स्टॉप्स हो जाते हैं, मूव आउट टू एन ओपन प्लेस, तो आप बाहर निकल सकते हो, जो भी ओपन प्लेस में है आप जा सकते हो, ठीक है ना, थंडरिंग जब स्टॉप्स हो जाते हैं। तो ये 3 सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग लाइटिंग के बारे में है जो आपको लिखने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हो, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बलून वेयर एज एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बलून। इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको पूछे गए हैं। जब भी एक चार्ज बलून जो होते हैं, अनदर अगर चार्ज बलून होते हैं, तो वो एक दूसरे से रिपेल्ड करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। अगर वही दूसरी तरफ क्या होता है कि अनचार्ज बलून है, ठीक है ना, वो अट्रैक्ट होते हैं चार्ज बलून के थ्रू। इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो हमें नहीं पता है, वो आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना, कि आखिर चार्ज बलून क्या हो रहे हैं, रिपेल्ड हो रहे हैं अनदर चार्ज बलून से, और चार्ज बलून अनचार्ज बलून को अट्रैक्ट कर रहे हैं दैट पार्टिकुलर चार्ज बलून। इसके पीछे का रीजंस क्या है, तो चलिए देख ले रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कैसे देना है।
टू चार्ज बलून्स हैव सिमिलर चार्जेस ऑन द सर्फेसेस. जब भी दो चार्जेस बलून्स होते हैं उनके जो सिमिलर जो चार्जेस होते हैं उनके सर्फेस पर, ये आप सभी को पता है. जब भी चार्ज बलून, मान लो दो बलून्स है, इन्फ्लेटेड बलून्स है, उसने उस पर आपने रब किए उलन से, तो फिर क्या हुए, दोनों जो बलून्स हो गए, टू चार्ज बलून्स हैव सिमिलर चार्जेस हो गए, उनके सर्फेस पर दोनों के ही सर्फेसिस पर सिमिलर चार्जेस हो जा रहे हैं. अब क्या है हो रहा है, चलिए देख ले रहे हैं. सिंस लाइक चार्जेस रिपेल्ड इच अदर, जैसा आपने जाना इस पूरे वीडियोस में कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं. दैट्स व्हाई वन चार्ज बलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बलून. इसलिए क्या हो रहा है कि वन चार्ज बलून जो हो रहे हैं अनदर चार्ज बलून को रिपेल्ड करते रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरे को एक दूसरे को हटा दे रहे हैं, ठीक है ना. When an uncharged balloon is brought near a charged one, जब भी एक अनचार्ज बलून को लाया जा रहा है विदाउट रबिंग वाला, ठीक है ना, विदाउट रब किया हुआ बलून्स को जब उस चार्ज वन बलून्स के नियर लिया जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो रहे हैं, the uncharged balloon acquires some opposite charge. ये बात भी आपको जान लेनी है कि अनचार्ज जो बलून्स होते हैं ना उसमें अपोजिट चार्ज होते हैं, यह बात भी आपको जान लेनी है. चार्ज में अगर चार्ज बैलेंस में अगर एक आप बोल सकते हो नेगेटिव चार्जेस का क्रिएट हो रहा है, तो जब भी आप एक अनचार्ज बैलून को ले जा रहे हो तो उसमें जनरली पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उसमें, मैंने कहा था कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं अर्थ में वो चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट से ही बने होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. जब भी आपका नेगेटिव चार्जेस वाला जो बैलून है जो कि रब किया हुआ है उसके अगर आप नियर्स में अनचार्ज बैलून को ला रहे हो तो उस अनचार्ज बैलून्स में एक जो होते हैं अपोजिट चार्ज का क्रिएशंस होता है, ठीक है ना, और उससे वो अट्रैक्ट कर ले रहे हैं. ये बात भी आपको जान लेनी है. इसलिए कहा गया है द अनचार्ज बैलून एक्वायर्स सम अपोजिट चार्जेस को, ठीक है ना. सिंस क्या हो रहा है, अनलाइक चार्जेस एब्स्ट्रैक्ट इच अदर, जैसा हमने रूल्स में भी जाना था कि अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं जो जो रबिंग किए हुए हैं, जो चार्ज वाले जो बैलून्स है उसमें नेगेटिव चार्ज है, और जो विदाउट रबिंग वाला जो पार्ट है जो अनचार्ज जो बैलून्स है उसमें पॉजिटिव चार्जेस है, तो एक दूसरे को इजीली अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. देयरफॉर अ चार्ज बलून अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज वन. ये बात भी आपको जान लेनी है. इसलिए क्या हो रहा है कि चार्ज बैलून जो है वो अट्रैक्ट करते हैं अनचार्ज वन को. तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 9 में हमसे क्या पूछे गए हैं. क्वेश्चंस नंबर 9 आप देख पा रहे हो, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी. जैसा आप सभी देख पा रहे हो आपको डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है ना, आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी आपको एक डायग्राम भी बनानी है, ठीक है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम बनाना है जो जिसको हम यूज कर पाते हैं. किसके लिए यूज कर पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि चार्ज बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो चार्ज है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम भी आपको बनाना है और साथ में आपको डिस्क्राइब भी करनी है. तो चलिए जान लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें किस तरह से देना चाहिए. जैसा आप सभी देख पा रहे हो, टेक एन एम्प्टी जैम बोतल, ठीक है ना फ्रेंड्स. तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो आपको एक जैम बोतल लेनी है, वो भी एम्प्टी के फॉर्म्स में, ठीक है ना. टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बोतल, ठीक है ना. तो आपको एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेनी है जो कि स्लाइटली बिगर होगा, वो जो भी माउथ है ना बोटल्स का जो भी माउथ है उससे वो बड़ा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है ना. अब आपको पियर्स करनी है एक होल इन इट, आपको एक पियर्स भी करनी है उसमें, सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कुड बी इंसर्टेड. आप एक मेटल जो पेपर्स, ठीक है ना, क्लिप का क्रिएशन किया जाएगा उसमें आप इजिली क्लिप को आप इंसर्ट कर पाओगे, इतना ही आपका होल रहेगा, ठीक है ना. नेक्स्ट आपको क्या करने हैं, कट टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल अबाउट 4 cm x 1 cm. दो स्ट्रिप्स लेने हैं एल्यूमिनियम फॉयल के, ठीक है ना. वो उनका भी एक साइजेस आपको दिया गया है, 4 cm होंगे एंड 1 cm होंगे. तो 4 cm आपके लॉन्ग होंगे एंड आपका जो विड्थ होगा दैट एल्युमिनियम फॉइल का वो 1 cm होना चाहिए इच, यानी आपको 2 लेने हैं ना, इसलिए इच जो है वो आपका इतना साइजेस होगा. तो अब है क्या करना है उसको, अब उन्हें हैंग करना है, हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप्स एज शोन,
ठीक है ना, जैसा आप फिगर्स में देख पा रहे हो, उन्हें जो एल्युमिनियम जो फॉइल जो आपने लिए हैं जो 4x1 cm जिसका जो साइजेस है, आप उन्हें हैंग कर देना है उस पेपर क्लिप में जैसा दिखाया जा रहा है पिक्चर्स में। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड। अब जो है कार्डबोर्ड के जो लिड है ना उस पे अब आपको इंसर्ट करने हैं, ठीक है ना, उस पेपर क्लिप को, सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट। ऐसे आपको इंसर्ट करने हैं कि वो परपेंडिकुलर पोजीशंस में हो, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल नहीं होने चाहिए, वर्टिकल होने चाहिए। आप देख पा रहे हो पिक्चर्स में ये परपेंडिकुलर पोजीशंस में है। तो अब है चार्ज अ रिफिल एंड टच्ड इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब आपको एक रिफिल लेनी है, वो भी चार्ज रिफिल लेनी है, ठीक है ना। अनचार्ज रिफिल नहीं लेनी है, चार्ज वाले रिफिल को लेनी है। और चार्ज कैसे क्रिएट किया जा सकता है आपको पता है फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। द एल्युमिनियम फॉइल जो स्ट्रिप्स है वो रिसीव करेंगे द सेम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, ठीक है ना। अब है पेपर क्लिप के थ्रू क्या है, अब आपने जो चार्ज जो ऑब्जेक्ट को आप टच कर पा रहे हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट आपका क्या है, वो रिफिल है। जैसे ही आप चार्ज ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हो, ठीक है ना, थ्रू दैट पेपर क्लिप्स, जैसे ही आप पेपर क्लिप्स में चार्ज ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हो, तो जो भी आपका जो चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं उस दैट पार्टिकुलर रिफिल्स में, अब उस कंडक्टर्स के थ्रू, दैट मीन्स आपका जो पेपर क्लिप्स है उसके थ्रू यह जा रहा है किसमें, उस एल्युमिनियम फॉइल्स में, ठीक है ना। तो द एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, जैसा यहां कहा गया है। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस, अब है क्या है, स्ट्रिप्स जो है वो कैरी कर रहे हैं सिमिलर चार्जेस को, तो क्या होंगे उसके एक्शंस, रिपेल्स ईच अदर। अब वो एक दूसरे को रिपेल्स करेंगे, ठीक है ना, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जैसा आप सभी देख पा रहे हो कि वो एक दूसरे को रिपेल्स कर रहे हैं। दोनों का जो पोजीशन है कुछ ऐसा है, वो रिपल्स कर रहे हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट नहीं है। अब है कि द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपल्स ईच अदर, जैसा मैंने कहा, एंड दे बिकम वाइड ओपन, उनका जो माउथ है आप बोल सकते हो वो वाइडली ओपन हो जा रहा है, जैसा आप सभी देख पा रहे हो। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। अब ऐसे डिवाइसेस का ही हम लोग जनरली यूज करते हैं, किसके लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैरी कर रहा है किसी चार्जेस को या नहीं कर रहा है, उसे डिटेक्ट करने के लिए ही ऐसे डिवाइसेस का हम यूज करते हैं। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। जैसा आपने वीडियोस में भी जाना, दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, ऐसे डिवाइसेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप यह डिटेक्ट करता है कि वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए जान ले रहे हैं आखिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चंस नंबर 10, लिस्ट थ्री स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। आपको ऐसे थ्री स्टेट्स के बारे में बताने हैं, वो भी इंडिया के, ठीक है ना, जहां पर अर्थक्वेक जो होते हैं वो स्ट्राइक किए जा सकते हैं, वहां पर चांसेस बने हैं, ठीक है ना। तो वो थ्री स्टेट कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। तो थ्री स्टेट्स इन इंडिया, गुजरात, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, ये ऐसे थ्री स्टेट्स हैं जहां पर आपका जो अर्थक्वेक का जो चांसेस है, स्ट्राइक करने का जो चांसेस है वो काफी बना हुआ है, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो याद रखने हैं ऐसे स्टेट के नाम, गुजरात है, राजस्थान है एंड हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपके है इसके पीछे का रीजंस क्या है वो दिया गया है। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये वाला जो पोर्शन है, जैसा कहा गया है कि इन इंडिया में जो एरिया जैसे मोस्ट थ्रेटेंड एरिया है वो कश्मीर वाले हैं, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज है। वेस्टर्न हिमालयाज कौन से हैं आपको पता है, सेंट्रल वाले हिमालयाज कौन से हैं, द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जितना भी नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, ठीक है ना, जितने बहुत सारे स्टेट्स हैं,
तो उसमें पूरा जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट का, रन ऑफ कच्छ आपको पता है गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ दैट पार्टिकुलर जो आपका पोजिशन है वो वाला, राजस्थान वाला पोर्शन एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन का वाला जो पोर्शन है, सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन. ये वाले जो पूरे जगह है वो डेंजर जोन्स में आते हैं. और डेंजर जोन्स का मतलब ही है किसी भी टाइम, किसी भी टाइम पर, किसी भी ईयर्स में, या आप ऐसा बोल सकते हो कोई अर्थक्वेक जो है उस पार्टिकुलर पोजिशंस में जो भी नाम लिए गए हैं उस वाले प्लेसेस को हिट कर पाएंगे. और जैसे हिट होंगे तो डिस्ट्रॉयड होने के चांसेस हैं ह्यूमन लाइफ्स के बहुत ही ज़्यादा हैं. और साथ में आपको आप ये भी जानते हैं कि जो प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो अर्थक्वेक में नहीं हो सकता है. तो यह भी एक जो है एक नेगेटिव पॉइंट बनी हुई है कि किसी भी तरह हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि वो कब होने वाला है, किस ईयर में होने वाला है, किस टाइम में होने वाला है. ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यह बात भी आपको जान लेनी है. फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछे गए हैं. सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. मान लो फ्रेंड्स कि आप अपने घर से बाहर हो, ठीक है ना, और अर्थक्वेक जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो आप क्या प्रिकॉशंस लोगे खुद को बचाने के लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है ना, ऐसा बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो आप घर में हो तब पर भी हो सकता है, दैट टाइम्स पार्टिकुलर टाइम्स में हो सकते हैं, या फिर आप आउटसाइड योर होम्स हो सकते हैं, दैट टाइम्स भी हो सकता है. तो आप जब भी आउटसाइड योर होम होगे तो दैट कंडीशंस में आप क्या प्रिकॉशंस लोगे उसके बारे में कहा गया है. फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो क्वेश्चंस में, ठीक है ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे इस क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे देना है. ठीक है ना फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो आंसर्स में, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आई वुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. आपको आंसर्स इस तरह से लिखना है फ्रेंड्स कि ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के ड्यूरिंग्स में क्या करने हैं, आई वुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, मैं इस तरह से अपना प्रिकॉशंस लूंगा. ठीक है ना, तो वो क्या है, जैसे फर्स्ट वन में है, आई ट्राई टू फाइंड अ क्लियर स्पॉट. एक हमें खोजना है क्या, एक क्लियर एक स्पॉट को खोजना है, एक ऐसे प्लेसेस को खोजना है, चाहे वो ऐसे प्लेसेस को खोजना है जहां पर कुछ भी बिल्डिंग्स नहीं होंगे, ना ही मॉन्यूमेंट्स होंगे, ये बात भी आपको जान लेनी है. क्लियर वाला प्लेसेस खोजना है, अवे फ्रॉम बिल्डिंग ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस. बिल्डिंग से दूर हो, दैट क्लियर स्पॉट्स जो है वो बिल्डिंग से दूर होना चाहिए, ट्रीज से दूर होना चाहिए, ओवरहेड पावर लाइंस से दूर होना चाहिए. ठीक है ना, एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड. नेक्स्ट में क्या लिख रहे हैं आपको, इफ आई एम इन कार और अ बस. ठीक है ना, यदि हम लोग कार्स में होते हैं या फिर बस में हो सकते हैं तो क्या होता है, डू नॉट कम आउट, तो हमें जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए. ठीक है ना, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट्स. तो आपको ड्राइवर को आस्क करनी चाहिए, ले जाने के लिए कहना चाहिए कि एक क्लियर स्पॉट्स में आपको ले जाना है, और वो भी स्लोली तरह से. ठीक है ना, तो आई विल नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप्स. जब भी ट्रेमर्स स्टॉप्स नहीं कर रहे हैं तब तक आप जो है वो अपने कार से, व्हीकल से नहीं निकलोगे. यह कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए, यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स. अब पॉइंट वाइज ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर्स है आप देख पाओगे, नंबर वन आप बोल सकते हो, नंबर टू बोल सकते हो. ठीक है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 12 में हमसे क्या पूछे गए हैं. जैसा आप सभी देख पा रहे हो, द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट अ थंडरस्टॉर्म्स इज लाइकली टू ऑकर ऑन अ सर्टेन डे. ठीक है ना, जैसा मान लो वेदर डिपार्टमेंट यह प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक थंडरस्टॉर्म्स जो है वो होने वाला है कुछ एक दिनों में. ठीक है ना, कोई एक सर्टेन डे में होने वाला है. सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे. अब आपको बाहर जाना है दैट पार्टिकुलर डे में. ठीक है ना, जैसा प्रेडिक्शंस किया गया है तो उसी डे में आपको बाहर भी जाना है जिस डे में थंडरस्टॉर्म्स भी होने वाले हैं. तो वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला, क्या आप एक अम्ब्रेला को कैरी करोगे या नहीं करोगे, इसके पीछे क्या रीजन्स है वो आपको एक्सप्लेन करनी है. तो फ्रेंड्स आपको ये जान लेनी चाहिए कि सबसे पहले कि जब भी आप थंडरस्टॉर्म्स वाले जब भी प्रेडिक्शंस हो जा रहा है वेदर डिपार्टमेंट के थ्रू, जब भी आप टीवीज में न्यूज़पेपर्स में जान पा रहे हो कि ऐसे डेट्स में थंडरस्टॉर्म्स होने वाले हैं और आपको बाहर निकलनी है, तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि
अम्ब्रेला को कैरी करना है या नहीं, अगर ये क्वेश्चन है तो अम्ब्रेला को कैरी करना है, बट आप ऐसा कोशिश करोगे आपका जो ट्राई होगा वो ऐसा होगा कि जो निप पॉइंट होते हैं ना अम्ब्रेला के, जो अम्ब्रेला से अबव में होते हैं, उसे आपको नहीं लेनी है, पहला बात। सेकेंड वन इज, आपको कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके नहीं जाना है, ठीक है ना। नंबर थ्री, वाटर किसी सोर्स में आपको स्टैंड नहीं होना है। बहुत सारी बातें हैं, यह बात भी आपको जान के रखनी है। और अम्ब्रेला अगर लेनी है तो वो अगर उडन वाला फॉर्मेशंस में आता है तो वह बेटर होता है, या फिर आइदर हो सकता है कि जब भी आप किसी ऐसे अम्ब्रेला को लो दैट उसमें पार्टिकुलर्स उसमें किसी भी टिप पॉइंट ना हो, दैट अपर का जो पोर्शन है वह प्लास्टिक्स वाला होना चाहिए, जैसे किसी भी तरह के मेटल्स के थ्रू जो बॉडी है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाए, यह बात भी आपको जान लेनी है। मेटल्स वाला पोर्शन से हमें अपना बॉडी को दूर ही रखना चाहिए लाइटिंग के टाइम और थंडरस्टॉर्म्स के टाइम, जैसा मैंने आपको वीडियोस में ही बताया। तो अब है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है, चलिए देख ले रहे हैं। कैरिंग अम्ब्रेला इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स, ये बात भी जैसा मैंने आपको बताई कि अम्ब्रेला को कैरी करना ये एक आइडियल जो है वो बात नहीं है, गुड आइडिया नहीं है कि थंडरस्टॉर्म्स के टाइम आप एक अम्ब्रेला को कैरी करो, जैसा मैंने कहा। एज ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म्स द स्पीड ऑफ द विंड विल ब्लो अवे द अम्ब्रेला, और थंडरस्टॉर्म्स के टाइम क्या होगा आपका वो जो अम्ब्रेला वो कैरी विंड जो है वो उसे ब्लो अवे कर देगा। नेक्स्ट है कि अगर आप अम्ब्रेला को कैरी करते हो तो मैंने जैसा कहा कि वो उडन का होना चाहिए, वो बेटर होता है क्योंकि उड जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को वो नॉन कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करता है उड, जैसा आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे, और वहीं मेटल्स जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। मेटल्स से ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना चाहिए जैसा मैंने कहा, वाटर के सोर्स से दूर रहना चाहिए, जो भी आप कभी भी ऐसे जगह पर आप ट्रैवल कर रहे हो जहां पर थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं और आपको रेल लाइन क्रॉस करने हैं, रेल ट्रैक्स को क्रॉस करके जाने हैं, तो रेल ट्रैक्स को ऐसे टाइम्स में नहीं क्रॉस करना चाहिए। बहुत ऐसे प्रिकॉशंस हैं जब भी आप थंडरस्टॉर्म्स के टाइम अगर आप बाहर निकल रहे हो, तो बहुत सारी बातें हैं जिसे हमें मान के चलना चाहिए, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोज में।